तो जय हिंद दोस्तों, हरिओम। इलेक्ट्रॉनिक्स चैनल पर आपको स्वागत है। मेरा पास है Redmi K50i। तो Redmi K50i पर अगर आपको डेट एंड टाइम को सही करना है तो कैसे कर पाएंगे? डेट एंड टाइम को अगर आपको चेंज करना है तो कैसे कर पाएंगे? तो आपको ओपन करना होगा सेटिंग्स को। सेटिंग्स पर आपको छोटा सा एक रिक्वेस्ट, इस वीडियो को प्लीज़ एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए, सेटिंग्स ओपन होने के बाद सेटिंग्स पर आपको मिल जाएगा एडिशनल सेटिंग्स। एडिशनल सेटिंग्स पर प्रेस करना होगा तो एडिशनल सेटिंग्स पर मिल जाएगा डेट एंड टाइम। तो डेट एंड टाइम पर प्रेस कीजिए। करने के बाद अगर आपका सेट पर यूज नेटवर्क प्रोवाइड टाइम अगर ये ऑफ रहेगा तो आपका सेट पर टाइम का प्रॉब्लम आ सकता है। यूज नेटवर्क प्रोवाइड टाइम उसी पर प्रेस कीजिए। करने के बाद आपका सेट पर अगर सिम कार्ड लगा हुआ है तो आपका डेट एंड टाइम ये सॉल्व हो जाएगा। आपके नेटवर्क के साथ टाइम और डेट फिक्स हो जाएगा। अगर एक करने के बाद अगर यूज प्रोवाइड टाइम ये ऑन करने के बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो आपको करना होगा, इसको ऑफ करना होगा। यूज नेटवर्क प्रोवाइड टाइम इसको ऑफ करने के बाद इधर से आप मैनुअल टाइम और डेट को सही करना पड़ेगा। इस तरह आपको डेट एंड टाइम को सही करना पड़ेगा, ठीक है। टाइम सही करने के बाद ओके पर प्रेस करना होगा। करने के बाद आपका डेट एंड टाइम सही हो जाएगा। एएम पीएम वर्क नहीं कर रहा है, 12 के बाद 13 14 ऐसा बज रहा है। तो टाइम फॉर्मेट पर प्रेस कीजिए। करने के बाद 12 आवर करेंगे तो 12 के बाद 1 बजेगा। अगर आप 24 आवर्स करेंगे तो 12 के बाद 13 बजेगा, ठीक है। तो आपको 12 हॉर्स करना होगा। करने के बाद आपको एएम पीएम मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपका हेल्प हुआ है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स इस वीडियो को फुल वॉच करने के लिए।